Good morning, all of you. This is English teacher from Raisen Public School. I am here to teach class 9, chapter number 7. The name of this chapter is World is Too Much with Us. This chapter jo hai, ye poem hai, which is written by William Wordsworth. The poem William Wordsworth ne likhi hai. Thoda sa hum poet ke baare mein jaan lete hain. He was born on 1850. Sorry, he was born on 1770 and died on 1850. और जो पोयम है वो कंपोज ऑन 1802 एंड पब्लिश्ड ऑन 1807. दिस इज अ पोयम ऑफ नेचर. विलियम वॉर्ड्सवर्थ इज अ पोएट ऑफ नेचर हु लव्स नेचर टू मच. सो इन दिस पोयम ही इज कंप्लेनिंग दैट वी आर गोइंग फार अवे फ्रॉम नेचर्स ब्यूटी. ये पोयम है जिसमें विलियम वॉर्ड्सवर्थ क्या बोल रहे हैं कि हम जो ह्यूमन है ये नेचर की ब्यूटी से दूर होते जा रहे हैं और मटेरियलिस्टिक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अट्रैक्ट होते जा रहे हैं. ओके, कि ये पोयम हम स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन. द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट अवर पावर्स. लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स. वी हैव गिवन अवर हार्ट अवे अ सॉर्डिड बून. दिस सी दैट बियर्स हर बूजम टू द मून. द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल अवर्स and are upgathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. It moves us not great God I heart. I would rather be a pagan circled in a great outworn. So might I, standing on this pleasantly, have glimpses that would make me less forlorn. Have sight of courtiers rising from the sea, or hear old Triton blow his weathered horn. ये मैंने पोएम आपको लाइन बाय लाइन रीड करके बताई है. अब हम वन लाइन बाय लाइंस को अंडरस्टूड करेंगे. ओके, दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. और ये पोएम में हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि कैसे इंसान नेचर की ब्यूटी से दूर होते जा रहे हैं, मटेरियलिस्टिक की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं. So starting with your first line, the world is too much with us late and soon. इसमें quite क्या बोल रहे हैं कि world जो है, दुनिया हमसे बहुत परेशान हो चुकी है. जो world is too much with us meaning है कि हम इतने busy हैं अपने worldly affairs में. With us late and soon means अभी past में भी और present में future में सब में हम अपने world अपनी चीजों में इतने busy हो चुके हैं. Little we see getting and spending will lay वेस्ट अवर पावर्स. और क्या बोल रहा है, गेटिंग मीन्स यहाँ पे कमाना होता है, स्पेंडिंग मीन्स खर्च करना होता है. तो हम केवल काय में लग गए हैं, कमाने में और खर्च करने में लग गए हैं. अपने कंफर्ट के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन वी वेस्ट अवर पावर्स. पावर्स हियर मीन्स फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल जो पावर्स है हमारे अंदर, वो हम सब वेस्ट कर रहे हैं. हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं और स्पेंडिंग एंड गेटिंग में ही अट्रैक्ट होते जा रहे हैं. वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डिड बून. लास्ट लाइन और बची थी यहाँ पे, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स. और क्या है कि हम नेचर में, नेचर इज टू ब्यूटीफुल, बट हमारा माइंड कहाँ लगा है, ओनली प्लेजर और मनी अर्निंग में लगा हुआ है. तो हम क्या कर रहे हैं, नेचर से दूर होते जा रहे हैं. लिटिल वी सी इन नेचर मतलब नेचर में जो हम देख रहे हैं वो हमारा है, फिर भी हम अर्निंग और गेटिंग अर्निंग स्पेंडिंग इन सब में बिजी हो गए और हमने नेचर की तरफ देखना बंद कर दिया. We have given our hearts away a sordid boon. और क्या किया हम लोग, अपना दिल कहाँ लगा बैठे हैं, पैसे खर्च करने के लिए. sordid boon यहाँ पे होता है unworthy, boon means favor. और हम क्या करने लगे, नेचर के प्रति अपना unworthy favor देने लगे. means नेचर में हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, हम कहाँ दिल लगा चुके हैं, कहाँ हम अपना पैसा खर्च करते हैं, कहाँ हम इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं, ओनली पैसा खर्च करने में. नेचर की तरफ हमारा माइंड वहां से डाइवर्ट हो चुका है. This sea that bears her bosom to the moon. अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे विलियम वॉर्ड्सवर्थ कि जो नेचर है, जो सी है, दिस सी मतलब जो सी है, समुद्र है, अपना सीना ताने हुए चंद्रमा सामने खड़ा है. मतलब जो सी है वो क्या कर रही है, क्या शो कर रही है, bosom. bosom होता है हार्ट, ब्यूटी टू द मून. किसको दिखा, किसकी तरफ कर रही है शो, मून की तरफ. आपने देखा होगा फुल मून डे पे ऐसा लगता है कि समुद्र बहुत अच्छा शाइन कर रहा है, उसमें चंद्रमा की रोशनी बहुत अच्छी पड़ने लगती है. द विंड दैट विल बी होलिंग एट ऑल अवर्स, जो
विंड है, कॉलिंग मीन्स गरजना, तो जो विंड है वो ऑल टाइम्स ऐसी लगती है ऐसी गरज रही है, और उसकी बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत प्यारी आवाज हमें हर्ड होती है, बहुत प्यारी इसकी आवाज सुन सकते हैं। एंड अपगैदर्ड एंड और अपगैदर्ड नाउ लाइक ए स्लीपिंग फ्लावर्स, और अब कैसी हो गई है, सारी हवाएं शांत हो गई है और ऐसी हो चुकी है जैसे वो स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह हो गई हो। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, और क्या बोल रहा है, आउट ऑफ ट्यून मतलब अनटच है, हम उस चीज से दूर हो रहे हैं, नेचर से हम दूर हो रहे हैं, अब हम नेचुरल ब्यूटी हमें क्या अट्रैक्ट नहीं कर पाती, हम इन सब से दूर हो रहे हैं, हम मून की रोशनी कभी हम सी पे अब देखते नहीं है, जो विंड है जो हॉलिंग करती रहती है वो भी अब स्लीपिंग हो गई है, बंद हो गई है। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड आई वुड रेदर बी, अब क्या बोल रहे हैं राइटर यहाँ पे कि इट मीन्स ब्यूटी ऑफ नेचर यहाँ पे कि हम मूव अस, जो नेचर की ब्यूटी है उसने हमें मूव कर लिया, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट होने से हमें हटा लिया, अब हम ग्रेट गॉड अपने गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं, आई वुड रेदर बी, क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि अ पैगन सर्कल्ड इन अ क्रीड आउट वन, कैसे हो जाए अब वो खुद ही एक पैगन बन जाए, पैगन मतलब अ पर्सन हु बिलीव इन नेचर्स गुड एंड वर्शिप नेचर लाइक माउंटेन वाटर अर्थ, ऐसे पर्सन जो नेचर की वर्शिप करते हैं वो पैगन कहलाते हैं। सकल्ड मीन्स बिलीव करना, तो और आउट वन मतलब आउट ऑफ डेट, अब जो अस्तित्व नहीं है, पहले हुआ करते थे अब ये चीज अस्तित्व नहीं है, जो पैगन है ये आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, अब राइटर ही पैगन बनना चाहते हैं क्योंकि ये लोग पैगन लोग नेचर्स की ब्यूटी पर गॉड होते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, अब प्लीजेंट कुछ वर्ड्स यहाँ पे आपको फिर समझना पड़ेंगे, प्लीजेंट मतलब होता है सुंदर, ली मतलब ग्रास लैंड, ठीक है, घास का मैदान, तो राइटर क्या इमेजिन करता है, काश वो एक सुंदर ग्रास लैंड में खड़ा हो, हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलोन, और ग्लिम्सेस मीन्स ऐसा अज्यूम करना जो कि उनको हैप्पी करे, उन्हें सुकून प्रदान करे, ऐसा वो अज्यूम करें, ऐसा वो सोचे कि लेस फॉरलोन, लेस फॉरलोन, फॉरलोन मीन्स लोनली, तो ऐसा अज्यूम करें कि हर चीज में वो जो अकेले में ग्रासलैंड में खड़े हुए तो उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं हो और वो वहां पे हर चीज को एंजॉय कर सके। कौन? राइटर क्या बनना चाह रहा है, राइटर पैगन बनना चाह रहा है। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, प्रोटियस मीन्स ग्रीक गॉड होते हैं, समुद्र के भगवान होते हैं, देवता, वो कैसे वो क्या करते हैं, राइज कहाँ से, सी में से राइज करते हैं, और हियर ओल्ड ट्रीटन ग्लो हिज रेदर्ड हॉर्न, अब रेदर्ड मतलब होता है एक स्पाइरल शेप का, हॉर्न मतलब शंख, ये भी एक भगवान एक देवता है जो सी के तूफान जब उठता है तो उसे शांत करने के लिए अपना शंख बजाते हैं, तो राइटर क्या कह रहा है कि उन्हें ये सब अब देखना है, प्रोटियस गॉड को देखना है, ओल्ड ट्रीटन को देखना है जो अब सब शांत हो चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहा है कि ह्यूमन एक मशीन की तरह होता जा रहा है, उसका ओनली प्लेजर अर्न करने के लिए, अपना कंफर्ट मनी अर्न करने के लिए अपनी लाइफ में लगा हुआ है, मटेरियलिस्टिक होता जा रहा है और नेचर से दूर होता जा रहा है, नेचर से दूर भागता जा रहा है, तो राइटर खुद अब कामना कर रहा है कि वो एक पैगन बन जाए, पैगन बन के जो नेचर ब्यूटी है उसकी, जो ग्रास लैंड है प्लीजेंटली है, जो ग्रास लैंड है और प्रोटियस ओल्ड ट्रीटिन जो भगवान है, इन सबका खुद ही दर्शन कर सके और वो खुद इन सबको एंजॉय कर सके। ओके, सो हियर योर पोएम एंड्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू ऑल ऑफ यू।